हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सो मैं यहाँ पे अभी किचन में कुछ बना रही थी रेसिपी, तो सोचा आप सबके साथ शेयर करती चलूँ। यहाँ पे मैं बना रही हूँ आम का खट मिट्टी। गुरम्मा तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, पर खट मिट्टी आई थिंक बहुत कम लोगों ने सुना होगा। सो मैं यहाँ पर वही चीज़ बना रही हूँ। यहाँ पर ऑयल को गर्म कर लिया, उसमें सूखी मिर्च और पचफोरन का फ़ौरन दे दिया, एंड फिर आम को मैंने 2 दिन धूप में सुखाया था इस तरह से, एंड अब इसको मैं फ्राई कर रही हूँ हल्के आँच पे। सो इसको कम से कम हम लोग 5 मिनट तक लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। जब ये अच्छा सा लाइट गोल्डन ब्राउन फ्राई हो जाए, उसके बाद हम लोग एक पतीले में पानी रख देंगे गैस पे, और उसके बाद हम लोग इसमें ऐड करते जाएंगे गुड़। सो आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने आम का क्वांटिटी बहुत कम लिया है, इसलिए मैं मीठा भी बहुत कम ही यूज़ कर रही हूँ। लेकिन फिर भी हम मीठा थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे, क्योंकि आम जो है बहुत खट्टा है, एंड इसमें थोड़ा सा मीठा हम लोग ज़्यादा ऐड करेंगे। तो गुड़ को भी हम लोग मेल्ट होने के लिए रखेंगे गैस पे, इसी तरह से अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगी कि फिर हमें क्या करना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं गुड़ जो है हमारा बहुत अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुका है। मैं अच्छे से इसको और अच्छे से उबाल रही हूँ, और उसके बाद हम लोग इसको ऐड कर देंगे जो हमने आम को फ्राई करके रखा है उसमें, और धीरे धीरे ऐड करेगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा ज़ोर से डाल दिया था, तो आराम आराम से ऐड करेंगे एकदम। और इसको इसी तरह से मीडियम फ्लेम पे हम लोग छोड़ देंगे पकने के लिए, और कम से कम 10-15 मिनट तक हम लोग इसको उबालते रहेंगे आम के साथ, ताकि आम के अंदर जो अच्छे से गुड़ जो है एब्जॉर्ब हो जाए, और उसका टेस्ट बहुत अच्छा आए। बहुत सिंपल है ये, बनाने में बहुत ईजी है, बस इसमें थोड़ी सी अलग सी इंग्रेडिएंट्स लगती हैं, कि इसलिए इसको खटमिट्टी कहा जाता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं उबाल रही हूँ, उसमें थोड़ा सा हम लोग नमक डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, एकदम हल्का सा आप डालेंगे, लगभग हाफ टी स्पून, और इसको अच्छे से हम लोग मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम लोग तवा ले लेंगे, और इसमें हम लोग रोस्ट कर लेंगे मेथी का दाना 1 टी स्पून, उससे ज़्यादा हमें नहीं लेना। इसको हल्के आँच में रोस्ट करना है, एकदम हाई फ्लेम नहीं करना है, नहीं तो वो जल जाएगा और टेस्ट एकदम बेकार हो जाएगा उसका। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि मीडियम एकदम लो फ्लेम रखना है, और इसको हल्के आँच पे इस तरह से लाइट कलर में भून लेना है। उसके बाद हम लोग इसको कूट लेंगे, अच्छा सा एक फ़ाइन पाउडर बना लेंगे यहाँ पर। और आम का जो है वो हम लोगों ने साइड रख दिया है उसको सूखने के लिए, ताकि वो अच्छे से एकदम सूख जाए। अब हम लोग इसमें ऐड कर देंगे ये पाउडर, और इसको अच्छे से हम लोग कर देंगे मिक्स। और इसको इसी तरह से हम लोग और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा वैसे ये थिक हो जाएगा और ज़्यादा। फिर भी आपको अगर लगे कि वो थिक नहीं हुआ है, अभी भी और होना चाहिए, तो आप थोड़ा सा और इसको पका सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने जो है खटमिट्टी को करीबन 1 घंटा के लिए बाहर इसी तरह से छोड़ दिया, और इसका कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा थिकनेस आ गया इसके अंदर, जैसा मुझे चाहिए था और जैसा ये होना चाहिए। क्योंकि अगर कंसिस्टेंसी इसी तरह की रहेगी तो ही मज़ा आने वाला है खाने में। आप किसी भी चीज़ के साथ इसको खा सकते हैं, रोटी, चावल, दाल, खिचड़ी, सबके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। ये इमली का भी बनता है, मैं जब भी कभी बनाऊंगी तो मैं वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। फ़िलहाल इसको जार हम इसे ग्लास के डब्बे में डालेंगे। मामू का वीडियो बना रहे, और यहाँ पे मेरे मामू जो है वो आए थे इनसे मिलने के लिए। जैसे उनको पता चला कि इनके पैर जो है फ्रैक्चर हो गया, तो वो आ गए मिलने के लिए। कोई आए ना आए, लेकिन हमारे मामू हमेशा पहुँच जाते हैं, ये बात उनकी बहुत अच्छी लगती है मुझे।
शाम को मैं आ गई थी सब्जी बाग। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कुछ सामान लेना था अपने डाइट को लेके, थोड़ा सा डाइट जो है हेल्दी बनाना है। और मैं क्या ऐड करने वाली हूँ अपने डाइट में, मैं घर जाके आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फिलहाल यहाँ से जो भी चीज़ें मुझे चाहिए थी वो मैं ले रही हूँ। और गर्मी जो है ना बहुत ज़्यादा है, मतलब क्या ही बोलूँ अभी पटना की जो गर्मी है ना, बाहर निकलने का तो मन ही नहीं करता है बिल्कुल भी। एंड मखाना जो है उसके तो भाव तो मैं क्या बताऊँ आपको, 1,000 रुपये किलो हो गए भैया। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं अब पटना मार्केट। जब आ गए हैं सब्जी बाग तो थोड़ा सा पटना मार्केट भी घूम ही लेते हैं, क्यों, चलिए चलते हैं आपको लेके पटना मार्केट। एंड पटना मार्केट आने के बाद मैं हम लोग आ गए एक शॉप पे। आई एम सो सॉरी, कुछ लोगों ने मुझे इंस्टा पे बहुत पूछा था कि इस शॉप का नाम क्या है, पर मुझे सच में कहूँ मुझे सच में बिल्कुल भी नहीं पता, ना मुझे याद है। हाँ लेकिन इनकी चीज़ें बहुत अच्छी रहती है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें और थोड़ी सी अलग चीज़ें रखते हैं। तो यहाँ पे इनकी मुझे कुछ कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगी थी, तो यहाँ से मैंने इनका एक ब्रेसलेट लिया। एंड उसके बाद हमें बहुत तेज़ भूख लग गई थी, हम लोग खाना नहीं खा के आए थे घर से, तो हमने सोचा कि कुछ खाते हैं। यहाँ से चीज़ें देखने के बाद आप लोग भी देख सकते हैं इनकी बहुत डिफरेंट क्वालिटी की चीज़ें मिलती है। पटना मार्केट में अंदर की तरफ है इनका दुकान। अभी हम लोग आ गए हैं बिरयानी किंग, क्योंकि खाना नहीं खा के आए थे, भूख बहुत तेज़ लगी थी, तो सोचा कि खाना खाते हैं उसके बाद ही घर निकलेंगे। यहाँ पे हम खा रहे हैं चिकन बिरयानी और यहाँ की बिरयानी बहुत टेस्टी है। फाइनली हम लोग आ चुके हैं घर और मैं क्या क्या चीज़ें लेके आई हूँ वो सब मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं ये ओट्स है। डाइट नहीं कर रही हूँ बिल्कुल भी, लेकिन बस अपने डाइट को थोड़ा सा हेल्दी बनाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं यहाँ पे क्या बनाने जा रही हूँ वो आप लोग के साथ इस रेसिपी को मैं ज़रूर शेयर करूँगी और ये भी बताऊँगी कि वो कैसा लग रहा है खाने में, क्योंकि मैं खुद ही इसको फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ। एनीवेज़ अभी जो है ओट्स को मैं यहाँ पे फिल कर रही हूँ और ये है चिया सीड्स। हम सबको पता है काफ़ी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है ये हम सबके लिए, इसमें बहुत ऐसे सारी चीज़ें हैं जो हम सबके लिए बहुत बेनिफिशियल है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अभी इसको हम लोग फिल कर लेंगे। ये है मखाना, इसका मैं अलग से बनाऊंगी बाद में और जिस तरह से मैं इसको लूँगी वो भी मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगी। फ़िलहाल यहाँ पे बहुत सारे सीड्स हैं जो मैं लेके आई हूँ, सनफ्लावर सीड्स, वाटरमेलन सीड्स, पम्पकिन सीड्स एंड ब्लैक रेजन, खजूर, ये सारी चीज़ें मैं लेके आई हूँ, क्योंकि ये सारी सारी चीज़ों का एक साथ मैं मिक्सचर डाल के सोक करके ओवरनाइट उसके बाद इसको खाने वाली हूँ। सारी चीज़ें को फिल करने के बाद अब मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ कि मैं क्या जो डाइट है वो लेने वाली हूँ। आज से स्टार्ट कर रही हूँ, तो सबसे पहले हम लोग एक बाउल ले लेंगे, उसमें ले लेंगे ओट्स। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून बड़ा वाला से भर के डाला, उसके बाद इसमें 1 टेबल स्पून चिया सीड डाला, उसके बाद इसमें डाला 2 टीस्पून कोको पाउडर, ब्लैक रेजन 6 से 7 पीस, 2 खजूर, इसको अच्छे से खोल के इसकी बीज को निकाल के इसमें डाल दिया। उसके बाद हम लोग इसमें डाल देंगे दूध। एंड इसको हम लोग दूध डालने के बाद बहुत अच्छी तरीके से हम लोग मिक्स कर लेंगे, ताकि सारी चीज़ें जो है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और उसको रख देंगे हम लोग रात भर के लिए फ्रिज में, रेफ्रिजरेट करने के लिए, ठंडा करने के लिए, ओवरनाइट के लिए सोक कर देंगे इसको इसी तरह से एयर टाइट कंटेनर में। अच्छी तरह से रख दीजिए ताकि सुबह उठ के हम लोग इसको ठंडा ठंडा खा सके।
सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी हो चुकी है सुबह और आप देख सकते हैं कि ये सोक करने के बाद ओवरनाइट इसका रिज़ल्ट इस तरह का कुछ आता है। थिकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है और अभी मैं जा रही हूँ इसको खाने के लिए। आई होप ये अच्छा लगे। जैसा भी लगता है मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर इसका रिव्यू शेयर करूँगी। और अगर आप लोग अभी चाहते हो देखना इसका रिव्यू कैसा है तो आप मुझे अभी जाकर इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर मैंने इसकी फुल रेसिपी भी डाली है और इसका रिव्यू भी शेयर किया आप लोगों के साथ। तो आप वहाँ पर जाइए देखिए और मुझे इंस्टा पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंस्टा का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके देन, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।